आप देख रहे हैं जन आदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। मल्हारगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अडमालिया में कई सालों से गांव के बीचों बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनने वाली सड़क आदि अधूरी और क्षतिग्रस्त और बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, पर अभी तक तो यहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया ध्यान। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते यहां पर कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं और यहां पर सामने ही प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चे जाने के लिए गड्ढा पर पार करना चाहते हैं और लेकिन यहां ना तो ग्राम पंचायत ने अभी तक ध्यान दिया है और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस ओर अपना ध्यान दिया है कि 8 जुलाई को हुए चुनाव में मल्हारगढ़ जनपद के वार्ड 24 से नवनिर्वाचित जनपद सदस्य अर्जुन गुर्जर ग्रामीणजनों के साथ उठाया सड़क का मुद्दा। अगर जल्द ही सड़क को ठीक नहीं करवाया गया तो रोड पर चक्का जाम करेंगे। क्या समस्या आपकी? सारे रोड की समस्या 2019 से अभी तक पड़ी हुई है। इसके बाद अपन मुख्यमंत्री महोदय के विज्ञापन दे चुके हैं, सीओ साहब को भी आवेदन दे चुके हैं, पीडब्ल्यूडी में आवेदन दे चुके हैं, सुनते ही नहीं, गुटबाजी करते हैं। यहाँ पे बीजा यहाँ से निम्बस से सुहासड़ा रोड है ये सीधा, और यहाँ से सीतामो के लिए गाड़ियाँ 10 बजे चल रही है अभी भी, पर सब बरसात में बाहर से आते बेचारे कोई गिरते रहते हैं। शासकीय शारदा विद्या मंदिर भी सामने है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत है और बाहर वाले को दिक्कत है। मेन बस स्टैंड है, मेन चौराहे है, तो बस कुल मिला के गुटबाजी वाली बात करके और आगे पीछे करते और काम का कोई निर्णय नहीं लेते। पंचायत को बोला, जनपद महोदय पूर्व को बोला और हम बार बार शिकायत कर चुके हैं। इसकी टेंडर हो रखा है वो साल भर सर, टेंडर 19 में हुआ था, उन्होंने किया आपका मतलब 500 मीटर सीसी रोड हो चुका है सुक्रत, पर अभी तक इसकी 19 से लगा क्या 22 हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। धरातल पे कब आएंगे? तो हमारा एक निवेदन है कि जनपद महोदय नए निर्वाचित चुने गए हैं, इनके द्वारा हम धरना आंदोलन करेंगे और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे और जनता रोड जाम करेगी। फिर शासन ग्रामीणवासी को एवं जनता जनपद प्रतिनिधि को परेशान न करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश गराशिया है, गांव अड़मालिया का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है गांव में? ये गांव अड़मालिया है और यहाँ से 2019 में बारिश होने के बाद गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं जनपद मल्हारगढ़ से 24 नंबर वार्ड से नवनिर्वाचित जनपद सदस्य हूँ अभी, और मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत दिनों से, मैं भी निकल रहा हूँ, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, क्या निकलने में बहुत परेशानी है। लोग यहाँ गिर रहे हैं बेचारे, बहुत सारे गड्ढे लगी है अभी, बहुत किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी और इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि वो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने जीएम साहब से बात करी, वो बोल रहे हैं कि उसका टेंडर हो रखा है पर हम उसको सही करवाएंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में सही करवाएं। यहाँ बच्चे, यह स्कूल है, ये स्कूल बना हुआ है, बच्चे आने जाने में परेशान होते हैं, छोटे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए